एक बात बताओ, तुम यादों में मरते हो क्या? तुम अब भी हमसे मोहब्बत करते हो? चल रहा है का भाई, चल गया क्या? बात तो नहीं आ रही। हाँ चल गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग छात्रों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। तो बच्चों, आप सबको पता है कि जैसे कि आपकी क्लास पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पर इस समय शाम 7 बजे से चल रही है और आप लोग डेली पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री क्लास होती है ना? किसी का अगर कोई सवाल है, कुछ भी अगर आप लोग कहना चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। हम सबका कमेंट देख रहे हैं, कुछ भी अगर कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए। अच्छा, ये कमेंट में मेरे गाने के बारे में लोग कर रहे हैं भाई, सुन लिए का ये लोग? मतलब इसका मतलब पहले से चल रहा था। एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मालूम नहीं चलता कि ये प्ले हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट बाद दिखना शुरू होता है। तो कमेंट करिए, ये कमेंट में मेरे गाने के बारे में लोग कर रहे हैं भाई, ये का ये लोग? तब इसका मतलब पहले से सब ठीक ठाक चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रही ना किसी को? मस्त है ना सब कुछ? गाना भी सुन लिए का आप लोग? मराठी लैंग्वेज में पढ़ाए, पहले हिंदी तो आ जाए अच्छे से, फिर मराठी वराठी बाद में होगी भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो ना? चलें आगे बढ़ते हैं फिर। अगर आपके मन में कोई सवाल है, दिल में कोई आशंका है तो बताइए। वीडियो चल रहा है, मराठी लैंग्वेज में पढ़ाएं, पहले हिंदी आ जाए अच्छे से, मराठी वराठी। आशीष होता है भैया, होता है, ऐसा इल्जाम ना लगाओ। कापी वापी सब सीन होता है, लेकिन तुम लिखो कापी जैसे तब ना। इतने भी ऐसे लड़के हैं, उसमें इतनी गंदगी कर देते हैं कॉपी में, तो उसको देखने के बाद अगले दिन खाना नहीं खाया जाता है, समझ लो। आगे मैं क्या बोलूँ, तो अगर साफ साफ तुम लिख के भेजे हो, मैं दिख रहा है कि हाँ तुम पढ़े लिखे हो, तब देखा जाता है। उसी में गंदगी करके भेजे हो तो नहीं देखा जाता है, ये बात। तो बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम हम बोलना चाहेंगे, जैसे कि पवन कुमार मीना जी जुड़ चुके हैं, अनन्या झा, मोहम्मद साहिद, रवि गुप्ता, सुमन देवी पिपरा, अमित दुबे, पलक चौहान, पूजा वर्मा, क्यूट बॉय। वाह भाई, नाम तो अच्छा है। दीप यादव, अभिषेक, आशीष यदुवंशी, दिव्यांशी गोस्वामी, आनंद गुप्ता, अंशिका सरोज, रोशन, मोहम्मद तारिक, सोनाली, नव्या, और कौन है भाई, सोन सोन अमित सिंह, ये तो पढ़ेंगे ना। संगीता श्रीवास्तव, पूनम, रंजना कुमारी, टी सी कॉमेडी वीडियो, सेजल यादव, सभी का बहुत बहुत वेलकम, ढेर सारा वेलकम, खूब सारा थैंक यू। चलिए तो शुरू करा जाए कहानी। हाँ, सैटरडे को टेस्ट होता है बाबू, पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर, जो कि पीवीआर स्टडी ग्रुप का मुख्य चैनल है, ठीक है? तो हम लोग बात करेंगे आज पॉलिनोमियल की, बहुपद की। बहुपद में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा बचा है, इसको पार करें तो दूसरे चैप्टर में पहुंच जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्यारे बच्चों, पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर सुबह 7 बजे आपको जो पहली बैच चल रही थी, चैप्टर 7 चल रहा था, वो आगे देखने को मिलेगी, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उस बैच को देख सकते हैं सुबह 7 बजे, याद रखना इस बात को। हाँ, कोई सवाल है तो बताना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, लेकिन सुबह 7 बजे से आप देख सकते हो, वो आगे पढ़ाया जाएगा सुबह 7 बजे, ठीक है ना भैया? तो जो चैप्टर 7 तक चला था, अगर आप लोग चाहो तो उसमें आगे पढ़ सकते हो सुबह चैप्टर 8वां, या फिर जो भी चल रहा है वहीं से, ठीक है? क्लियर ना सब कुछ? और जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, दूसरा चैप्टर देखना चाहते हैं, वो यहाँ पे पढ़ते रहें, ठीक है? कोई पूछ रहा है कि इतना अर्निंग होती चैनल से? बेटा, चैनल से इतना अर्निंग होती कि हम जी रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ 2-4 लोग और हैं, वो लोग भी जी खा रहे हैं, बस इतना ही होता है, बाकी हम लोग वैसे गरीब का गरीब हैं। चलो देखो, समझो यहाँ से क्या करना है, समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि, ऐसा कह रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है, सुनिए।
ये है एक्सरसाइज 2.2, जो बच्चे जानना चाहेंगे वो समझ लें। एक्सरसाइज 2.2 है क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है बाबू। क्लास नाइन्थ का क्या है? एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 2.2 बहुपद जिसे बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यही 2.2 का प्रश्न संख्या 3 से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? 3 से। मेरी आवाज़ तो अच्छी आ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैं वीडियो चला के वहाँ रख के आता हूँ दूर, एक मिनट। क्लियर? चलिए ठीक है। अब मेरी आवाज़ तो रिपीट नहीं हो रही होगी ना वहाँ से? इसका मतलब वीडियो चल रहा है, मैं दूर रख के आ गया हूँ। चलो एक्चुअली क्या है, मुझे मेरी आवाज़ सुनाई पड़ती रहेगी। तो देखो बेटा क्या कहता है क्वेश्चन में, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.2। कह रहा कि सत्यापित कीजिए, मतलब दिखाइए कि दिखाए गए जो मान हैं वो निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। समझ रहे हो ना? यानी जो मान ये दिया गया है और एक बहुपद दिया गया है, इसको सिद्ध करना है। ये जो मान दिया गया, बहुपद दिया गया है, इसको इसमें रख के सिद्ध करना है कि क्या ये इसका शून्यक है। पहले ये बताओ तुम लोग मुझे, शून्यक मतलब क्या होता है? अगर शुरू से पढ़े हो तो पता है शून्यक क्या होता चाचा। जैसे यहाँ एक ठीक देख लो छोटा सा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसमें एक बहुपद दिया गया है पी ऑफ एक्स, ये 2x+1 बराबर ये इतना है, इसका शून्य क्या होगा? कोई बताएगा? मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ अब। इसका शून्य क्या होगा बोलो? शून्य का निकालना तुम्हें पता है, मैंने सिखाया है बेटा। इसे इंग्लिश में जीरो बोलते हैं, पॉलिनोमियल का जीरो है ये, इसे हिंदी में शून्य बोलते हैं। समझना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। इसका शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं भैया? दिए गए बहुपद को जीरो के बराबर करते हैं। तो इसको जीरो के बराबर करेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो है यक्स बराबर -1/2 आएगा। यानी -1/2 एक ऐसा मान है जिसको अगर हम इसमें रखेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी शून्य को ऐसी बीमारी है जिसको इसमें रखने के बाद सब जीरो हो जाएगा। बस यही है, शून्य का मतलब यही होता है। शून्य ना ये झगड़ा लड़ाने वाला प्राणी है ये, इसको जिसमें रखेंगे सब बर्बाद हो जाएगा। अब चाहे तुम रख के देख लो। चलो इसको मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखा देता हूँ। समझो, यहाँ पे मैं पहले इसको दिखाऊंगा, इधर साइड में आओ। अगर हम 2x+1 में x का मान -1/2 रखें, ये हो जाएगा 2 × -1/2, ध्यान देना, +1, 2 से 2 कट जाएगा बाबू, 1 और +1, ये बराबर जीरो हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी शून्य वो ऐसी चीज है, ऐसा मान है जिसको दिए गए बहुपद में अगर हम पुट करते हैं तो सारा मान जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना? आया समझ में? मोहम्मद तारिक बेटा, दिमाग और खोपड़ी सब इकट्ठा लेके आया करो, हाँ, और क्लास को पूरा देखो। ये कोई हलवा नहीं है कि आए लंगर बट रहा ले लिए, दो ठोर चाट के निकल लिए आ गए। पढ़ना है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, पढ़ोगे तो आएगा। आप समझिए, इसे हमें हल करना है। ऊपर एक लाइन आप लिखोगे, ऊपर एक लाइन आप लिखोगे, दिया गया मान x बराबर -1/3, लिखो, कापी पेन ले लो, लिखो लिखो। क्या लिखोगे सुनो, क्वेश्चन लिखने के बाद लिखो नीचे, लिख रहे हो ना? आवाज डबल आ रही क्या? मैं दूर रखा हूं एक, मुझे तो नहीं लग रहा कि आवाज डबल कर रही होगी। डबल आ रही क्या? डबल नहीं आ रही आवाज, सही तो आ रही है। वो तो मैं वहां गया था तब आ रही होगी। आवाज डबल आ रही क्या?
विनीत तिवारी, आवाज डबल आ रही क्या अभी इस समय? नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आप नीचे लिखो, फटाफट लिखो। क्या लिखोगे? दिया गया मान यक्स बराबर -1/3, दिए गए बहुपद का शून्यक होगा यदि एक्स इक्वल -1/3 बहुपद में रखा जाए तो 0 आता है। ठीक है, तो चलिए -1/3 इक्वल 3 इंटू क्या हो जाएगा? -1/3 रखेंगे और प्लस का 1। ध्यान देना, ये देखो बच्चा इसे हल करेंगे, ये प्लस माइनस तो वैसे ही रहेगा, ये गुणा में है इसलिए कट जाएगा, तो -1 और +1 बचेगा, इक्वल 0। अब नीचे आप लिखोगे चूंकि चूंकि यक्स इक्वल -1/3 रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, अतः अतः दिया गया मान x इक्वल -1/3 पी ऑफ x इक्वल 3x+1 का एक शून्यक है। ठीक है, समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, कोई परेशानी नहीं। ये पूरा डिटेल में बताया, बाकी आपके एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ ये इसका शून्यक है, बस छोटा सा भी लिख सकते हो, हाँ यह इसका शून्यक है। हो गया, चले आगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट करते चलिए, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो बताइए। कोई परेशानी है तो बताओ। चंदन सिंह, 10th का सुबह 5 बजे होता है बाबू, कक्षा 10 वालों की क्लास लाइव होती है सुबह 5 बजे। आप लोग सुबह 5 बजे सो के उठ जाया करो, जो कक्षा 10 में पढ़ता है सुबह 5 बजे। देखो अगला इसका कौन सा पार्ट है, ध्यान देना, अगला पार्ट ध्यान देना। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करना, अगर आवाज़ में कोई दिक्कत है कहीं भी, सभी बच्चे ये बताओ कि आवाज़ में कोई दिक्कत है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो। आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं ना? अरे मुझे भी सुनाई पड़ रहा, नहीं है। चलो सेकेंड पार्ट देखो, कह रहा कि पी ऑफ यक्स इक्वल 5x-π और इसमें यक्स का मान 4/5 दिया है। कह रहा क्या यह इसका शून्यक है, क्या यह इसका शून्यक है? हाँ बताइए। अब फिर वही लाइन लिख लो नीचे, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, समझो। यहां पर नीचे लिखो, यदि यक्स इक्वल मतलब बराबर 4/5, यदि यक्स इक्वल 4/5 दिए गए बहुपद, उसके बाद इसको लिखो यहां तक, पी ऑफ एक्स इक्वल 5x-π का एक शून्यक है, तो इस बहुपद में यक्स का मान 4/5 रखने पर शून्य आएगा। चलिए जहां जहां यक्स है वहां वहां 4/5 रखो। देखो भाई साहब ये शून्य नहीं आया बाबू, अब इसमें कोई उपाय नहीं बचा कि इसको 0 लाया जाए। आप लिखोगे आंसर, नहीं, यक्स इक्वल 4/5 दिखाए गए बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल 5x-π का वो शून्यक नहीं है। क्या लिखोगे? दिया गया जो मान है वो दिखाए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया। ठीक है, आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल दिल नहीं करता अंदर से, ये मान लो। ठीक है, आप लोग शेयर करते ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं शेयर करते हो भाई, ऐसे कब तक चलेगा? हाँ राइट सुपनार, बच्चा पढ़ लो तो अच्छा है। हाँ पढ़ लो, चलो छापो।
फटाफट छाप लो, नीचे लिख लो। नहीं, आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हैं क्लास को तुरंत लाइक करेंगे, हर कोई लाइक करेगा, मैं तभी अब आगे बढ़ूंगा, उसके पहले नहीं। जल्दी से, मात्र 54 लाइक है भाई, जिसमें से 35 लाइक या 40 तो क्लास शुरू होने पहले था। तो क्या चाहते हो तुम लोग, चाहते क्या हो भाई? जो कमेंट नहीं कर पा रहा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तुरंत, जो नहीं कमेंट कर पा रहा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? ये कह रहा बिटरेट जीरो है, बिटरेट जीरो है, बिटरेट जीरो है। पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है, इसमें बिटरेट तो मैंने कुछ सेट नहीं करा है, पता नहीं क्या है। आगे क्वेश्चन करवाएं, आवाज आवाज तो ठीक है ना भाई? सभी साथी फटाफट लाइक करो बाबू, ऐसे मजा नहीं आ रही। चलो, इस तरह के आप लोग मुझे थर्ड वाला करके बताओ, क्योंकि मैंने इसमें के दो पार्ट कर रहे हैं, तो अब तीसरा तुम कर लो। चलो मुझे बताओ, एक्स इक्वल माइनस वन और वन, ये क्या है? ये दिया गया है, तो कह रहा है क्या ये जो मान है इसके शून्य हैं? बताइए हैं कि नहीं है, करके बताओ मुझे सभी, जल्दी से फटाफट सभी बच्चे मुझे करके बताओ क्या इसके शून्य हैं। मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसका बिटरेट वगैरह, क्या आवाज में कुछ इशू बता रहा है ये, तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो जल्दी करो फटाफट। चलो फिर से कनेक्ट हो गए ना आप लोग, फिर से कनेक्ट हो गए ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, कोई परेशानी तो बताओ। ये पता नहीं कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपना कान वान ना कहीं रख के आते हैं, उनके पास रहता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है, कितना भी इन्हें बता दो कोई फर्क नहीं। चलो इसको कर लेना आप लोग, ठीक है, इसको कर लेना, अगर कोई दिक्कत है तो बताना। जैसे मैंने दो पार्ट बताए वैसे रखना बेटा, अगर सारे मान जो दिए गए ने रखोगे, और रखने के बाद अगर जो आपका फाइनल आंसर आता है उसमें अगर जीरो आता है तो वो उसका बहु शून्य होगा, अगर जीरो ना आए तो शून्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर चार देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर ध्यान दीजिए क्या कहता है। कह रहा कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, एनसीईआरटी किताब है आपका कक्षा 9 का, एक्सरसाइज चल रहा है 2.2, चैप्टर 2.2 है बाबू, जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इसमें निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। पहला है P ऑफ x इक्वल x प्लस 5। देखो इसका शून्य निकालने के लिए याद रखना, इसमें हम जीरो बराबर इसके करेंगे, मतलब जीरो के बराबर बस वैसे निकाल लेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप लोग जीरो के बराबर करो और एक एक मान आता जाएगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई परेशानी तो बताओ, इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न भी हो जाएगा। चलो देखो, तो p ऑफ 0 इक्वल, ऐसे ना करो ये नहीं सही है, देखो पटाफट यहां चाहे एक लाइन लिख लो, दिए गए बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, दिए गए बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। dx बराबर कितना होगा, माइनस का 5, यही आंसर है। ये क्या आंसर है, किसी को कोई परेशानी तो बताओ, नहीं ना? नहीं, दूसरा प्रश्न देखो ध्यान से,
एक्स माइनस पाँच, इसको बताओ, इसको बताओ तो कैसे होगा? अनुप्रिया वीडियो चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा तुम्हारा, ठीक है? सूरज वाईटी जी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा, बहुत बहुत थैंक यू ढेर सारा। चलो वीडियो चल रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ, ये मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इधर देख रहा हूँ। चलो ठीक है, समझो 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 भाई समझो। यहाँ एक लाइन लिख लो चाहे, दिए गए बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम बहुपद को जीरो के बराबर करेंगे, दिए गए बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम बहुपद को जीरो के बराबर करेंगे। x का मान क्या आएगा? पाँच आएगा। देखो बच्चा, शून्य वो चीज़ होती है जो कि इसमें रखने पर, इस श्रेणी में रखने पर सारे मान जीरो कर दे बस, ठीक है? पवन कुमार बिल्कुल चलेगा बाबू, चलेगा चलेगा, PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे ही चलेगा, साइंस का दोबारा दोबारा चलेगा, जल्दी में ही चलेगा, पहले थोड़ा आगे तो बढ़ने दो, लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते आज की ज़िंदगी में, नहीं। अगर आप किसी भी दिशा में आगे जा रहे हो ना तो लोग आपसे जलन करेंगे, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हरामखोर एक बार भी अपना मेहनत नहीं करेंगे, नहीं, वो आपको नीचे खींचेंगे कि बेटा तुम भी नहीं जा, तुम भी मेरे साथ रहा, लेकिन मैं भी मेहनत नहीं करूँगा। ऐसे लोग इस धरती पर बाहर हैं, बाहर वजनदार हो गए हैं इस धरती के लिए। लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। इसमें के सारे मान कर लोगे ना जीरो रख के? बताइए, पांच छह पार्ट हैं, आप लोग कर लोगे ना? चार ही क्वेश्चन था इसमें टोटल, कितना क्वेश्चन था? चार था, है ना? तो आप लोग कर लोगे। अच्छा एक ही छोटा सा मैं भाग वाला बताऊं क्या आपको? ये प्रश्नावली खत्म हो गई बेटा, ठीक है? ये प्रश्नावली खत्म हो गई। इसमें अब अगर बात करें तो कोई विशेष बचा नहीं है, ये प्रश्नावली खत्म हो गई, कर लेना। अच्छा एक और बताओ, अगर एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस का 5/7 इंटू 8 माइनस का 2/9 इंटू 8/7 और इंटू 0, अगर हम इसकी बात करें, ध्यान देना ध्यान देना, तो इसका मान कितना आएगा जरा सोच के मुझे बताओ, अगर हम इसको हल करें तो इसका मान कितना आएगा, कोई बताएगा? बताइए, देखो कौन है ये 4 घंटा वाला, पवन कुमार, आप PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करके चाहे जाओ 10 घंटा पढ़ो, PVR स्टडी ऐप में हम बहुत टाइम पढ़ाते हैं, लंबा लंबा, चाहे जितना देर पढ़ो, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो एक बार। चलो ठीक है, समझते हैं, इसका मान बताना है, ये सब मान कितना आएगा, कोई बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है, कोई बता रहा है? अच्छा यहाँ माइनस कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर की एंट्री सब क्या है, जीरो है, मतलब यहाँ जीरो एक ही बीच में हो गए, सब जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो है। तो देखो इसको हमें हल नहीं करना है, हमें ये देखना बीच में एक मल्टीपल में जीरो है, हम उसी जीरो को देख के सब डिसाइड कर लेंगे, इसका भविष्य सब जीरो है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर बीच में माइनस है, ठीक है, इधर का भी सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी भिन्न या किसी भी नंबर में अगर हम शून्य का मल्टीपल करते हैं तो हमेशा शून्य हो जाता है, क्योंकि शून्य छोटा होता है और वो क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे समझ लो जैसे गांव में होता है ना, कुछ बड़ा लुच्चा टाइप के बच्चे होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, और कुछ एकाठी मान लो सीधा टाइप का मिल गया उसके साथ, तो क्या होगा, तुम कहा जा रहे हो सीधा वाला जो है वो सीधा ही रह जाएगा, वो सुधर जाएगा? नहीं, दोनों बर्बाद हो जाएंगे। हाँ यानी अच्छी चीज़ें जो है वो कम समझ में आती हैं, गंदी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं।